हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्या सेस में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लगातार CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 से जुड़ी हुई सारी जो जानकारियां आप लोगों को दे रहे हैं कि आपका क्या एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है या फिर सिलेबस क्या होता है। तो हमने इससे पहले जो है पूरा एक कंप्लीट सिलेबस का वीडियो आप लोगों को दिया था, जिसमें हमने सिर्फ टॉपिक वाइज बात नहीं की थी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की। और इससे पहले हमने जो है आपको मैथ के टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, और आज हम जो है आपके रीजनिंग का जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन होता है उसके जो है सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से आपके क्वेश्चन जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम में उठते हैं। तो सबसे पहले बता दें, जो आपका CITS एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जो होते हैं आपके 100 होते हैं। तो ये 100 जो क्वेश्चन होते हैं ये डिवाइड होते हैं 75 जो होता है एक तरफ होता है और 25 एक तरफ होता है। ये 75 आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, फॉर्म भरेंगे, जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरेंगे वो रहेंगे। और ये 25 में से आपका मैथ होता है और प्लस रीजनिंग होता है, ठीक है। तो हमने मैथ का जो है इससे जस्ट पहले मैंने कल जो है परसों वीडियो अपलोड किया था, जो नहीं देखे होंगे वो वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, जाकर देख लेंगे मैथ का सिलेबस। और यहाँ पर जो आज हम रीजनिंग की बात करेंगे और जो यहाँ पर ट्रेड वाला बात करते हैं, 75 जो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये ट्रेड क्वेश्चन, ट्रेड थ्योरी जो आपकी, जैसे हमने सपोज दैट कि हम जो अभी कर रहे हैं CITS, हम कर रहे हैं फिटर से, तो हमने जो CITS एंट्रेंस एग्जाम दिया तो 100 क्वेश्चन में से मेरा जो 75 क्वेश्चन आए थे वो हमारे फिटर ट्रेड थ्योरी से आए थे। कोई बंदा है अगर वो इलेक्ट्रीशियन से करना चाहेगा तो इलेक्ट्रीशियन के आएंगे, कोपा से करना चाहेगा तो कोपा के आएंगे, टर्नर करना चाहेगा टर्नर, बिल्डर करना चाहेगा बिल्डर, मशीनिस्ट से करना चाहेगा तो मशीनिस्ट से। तो जो आपके 75 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ट्रेड थ्योरी से होते हैं, जो कि आपके आते हैं ट्रेड थ्योरी से, और बाकी 25 जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। तो मैथ का सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया था दोस्तों, रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप लोग को आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए बात करते हैं, ये तो वैसे रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये एनालिसिस है जो आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इन 25 में से अगर बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, कभी कभी 5 से 7 क्वेश्चन भी होते हैं। तो यही 5-7 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको यहाँ पर टैकल करना है कि कैसे होता है। तो अगर बात करें ये 5-7 क्वेश्चन की दोस्तों, तो अगर ये आपका जहाँ टॉपिक हमने लिख दिया है, सबसे पहला टॉपिक है एनालॉगी। एनालॉगी एक प्रकार का चैप्टर होता है रीजनिंग का, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे हिंदी पर आधारित हो गया, वर्णमाला पर आधारित हो गया, अंकों पर आधारित हो गया, समझे। जैसे एक उदाहरण इसका ले लीजिए, 2-4 से है, ठीक है, तो अगला रहेगा 3 किससे होगा, तो 2×2=4 होता है, तो ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन मार्क करके आपका रहेगा यहाँ पर, और ऑप्शन में रहेगा 6, 8, 12, 16, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2×2=4 होता है, तो 3×2=6 था, ऐसे आपके इसको क्या बोलेंगे, एनालॉगी के श्रेणी व्यक्ति। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और लेबल जो है हम आपको बता रहे हैं, हर चीज का लेबल जो है अपना अपना होता है, तो CITS एंट्रेंस एग्जाम का अपना एक लेबल है। ये नहीं कि आप CGL या फिर SSC के जो बहुत सारे हाई एग्जाम होते हैं उनकी रीजनिंग आप पढ़ने लगे, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा आता है आपका दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है, जैसे ABCD ऐसे करके लिखा रहता है और फिर आगे उसका टर्म रहता है, तो कोरिलेट करना होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद वर्णमाला पे आता है, नंबर श्रृंखला पे आता है, नंबर सीरीज पे आता है, फिर आपका है डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। वैसे डायरेक्शन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन समझ लिए बहुत ना के ही बराबर आते हैं, अगर आपको फोकस करना है दोस्तों इन्हीं इतने पर फोकस कर लीजिए, आपके आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये मैंने 2 इसलिए ऐड कर दिया बाई चांस, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, पूछ ही लिए जाते हैं। अभी तो बात करें, कुछ लोग कहेंगे भैया क्लॉक के नहीं आते, कैलेंडर के नहीं आते, तो क्लॉक कैलेंडर की बात ही मत करिए, क्योंकि जो हम दिए हैं, जो हम एनालिसिस किए हैं, तो वो बातें हम आपको बता रहे हैं। तो यही जो आपके मेन जो है इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, आप अगर इसको रीजनिंग में तैयार कर लेते हैं तो CITS एंट्रेंस एग्जाम का कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। और एंट्रेंस एग्जाम के भैया जस्ट पहले ही हम आप लोगों की इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा देंगे कि ऑलरेडी आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। आप लोगों को पता है कि अपने इस चैनल पर फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स चल रहा है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, और हम जो बताएं आपको मैथ और रीजनिंग इसकी भी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से तरीके से कराई जाएगी। बस अभी टाइम है, आप अभी फिटर अपना जो ट्रेड थ्योरी है, फिटर तो मान लीजिए हम यहाँ चला रखे हैं, MCQ भी प्रोवाइड करें, लेकिन आप लोग भी जो अदर ट्रेड से हैं वो लोग अगर तैयारी करना चाहते तो अभी से ही अपनी ट्रेड थ्योरी की प्रिपरेशन कर दीजिए, ठीक है, चालू कर दीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है छोटा सा सिलेबस रीजनिंग का, तो आशा करते हैं ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद लगी है तो क्या कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते रहेंगे बार बार। तो आपका ये चैनल है दोस्तों, आप लोग इसको लाइक करिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपको किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और जो लोग को पता है कि 8 बजे भैया लाइव क्लास चलती है और रोज़ सुबह 8 बजे MCQ मिलते हैं, उनको जो है पता ही होगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो जिन्हें नहीं पता है भैया वो जान लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों आप किसी अगली वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद जय भारत।